नमस्कार, राइस न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। धनबाद जिले के पूर्वी टुंडी क्षेत्र में बन रहे NH 419 सड़क निर्माण कार्य में जमीनदाताओं द्वारा भूमि अधिग्रहण करने वाले अधिकारी से लेकर सड़क निर्माण ठेकेदार पर लगाए गए कई गंभीर आरोप, जिसे लेकर टुंडी विधानसभा क्षेत्र के नेता विदेश दा की अध्यक्षता में लटानी दुर्गा मंदिर परिसर में जमीनदाताओं के साथ एक दिवसीय आंदोलन को लेकर बैठक की गई। मीडिया के सामने विदेश दा ने कहा कि जमीनदाताओं से 50 फीट जमीन ली गई थी, लेकिन ठेकेदार द्वारा 150 फीट भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है, जिससे लोगों की सारी दुकान मकान जा रहे हैं, जिसके चलते लोगों के रहने और कमाने का रास्ता खत्म होता तय दिख रहा है। वहीं एक दिवसीय आंदोलन को लेकर लटानी से शंकर डी तक सभी दुकानदारों ने आज अपनी अपनी दुकानें बंद रखीं। विदेश दा ने आगे कहा कि यदि सड़क निर्माण कर रही कंपनी के प्रतिनिधि हम लोगों के साथ वार्ता कर इसका समाधान नहीं निकालेंगे तो जोरदार आंदोलन किया जाएगा। उस दिन सीओ साहब से बातें हुई थी। सीओ साहब ने कहा था कि कंपनी के साथ वार्ता कराएंगे। उनका डेट था 18 तारीख के बाद ही, तो 18 तारीख आज तो 18 तारीख है। बातें तो चल ही रही है और कंपनी के तरफ से भी थोड़ा सा मैसेज आया है कि हम लोग बाहर नहीं है, हम लोग भी बैठ के बात करना चाहते हैं, लेकिन हम लोग अपना आंदोलन को ढीला नहीं छोड़ना चाहते हैं, इसलिए आंदोलन इसी तरह इसी क्रम में चलता रहेगा। मुख्य मांगे क्या है? हमारी मांगे देखिए, अभी सबसे बड़ी बात है कि भाई हम लोग आजाद देश में रह रहे हैं ना, ये एक प्रजातंत्र देश का दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र देश है भारत। अब उसमें आप रोड बनाइए ना भाई, रोड बनाने से आपको कोई रोक नहीं रहा है, लेकिन रोड बनाने से पहले जो नीति बननी चाहिए कि भाई आप किसी को उजाड़ रहे हैं तो आप उसके लिए क्या कर रहे हैं, आप किसी का बाप दादा का जमीन ले रहे हैं तो आप उसके लिए क्या कर रहे हैं। हमारा खेत खलिहान, पुरखों का जमीन, पुरखों का घर आप उजाड़ने आ रहे हैं और हमसे कोई बात तक नहीं कर रहे हैं। आप पहले हमसे बात करिए, हमारी जमीन जा रही है, ठीक है, जो नियम है हम उसको पूरा करेंगे। रोड के लिए, विकास के लिए हमेशा गरीब आदमी ही बलिदान दिया है, हमेशा किसान ही बलिदान दिया है। आप कहीं से भी रोड गुजारिए, जहां से भी रोड गुजरेंगे वहां से आपको केवल और केवल किसान और गरीब लोग ही मिलेंगे, और वही उन्हीं लोगों को बलिदान देने के लिए भी बोला जाता है कि आप अपना खलिहान दे दीजिए, आप अपना खेत दे दीजिए, आप अपना पुरखों का बनाया हुआ घर दे दीजिए। लेकिन उससे पहले का जो नीति है, जो विस्थापन का नीति है, जो मुआवजा का प्रक्रिया है, आप उसको पूरा कर लीजिए। और यदि आप ये बोलिएगा कि हम सरकारी रेट में पैसा देंगे, सरकारी रेट तो 2-3 हजार रुपया है और यहाँ पे 4 लाख रुपया डिस्मिल चल रहा है, तो आप कैसे आप उसको करिएगा कि 4 लाख कहाँ और कहाँ आपका 4 हजार रुपया। तो मेरा कहना है कि आप जब जीकेसी के उस समय जब बना था, पिछले बार जब 2 लेन जब बना था, जीकेसी कंपनी बनाया था, उसमें तो इतना बवाल नहीं हुआ था। आप आज से करीब 7-8 साल पहले, 10 साल पहले आप उस समय बनाए, तो उस समय का रेट आज 10 साल के बाद क्या रेट होना चाहिए, ये सारी बातों का डिस्कशन यहाँ पर होना चाहिए कि आप 10 साल पहले जो आप मुआवजा दिए हैं और 10 साल के बाद आप क्या मुआवजा दीजिएगा, जमीन का क्या मुआवजा दीजिएगा, घर का क्या मुआवजा दीजिएगा, ये आपको पहले बताना पड़ेगा।